सत श्री अकाल जी, ये है फास्टैग रिफ्लैक्स इनवॉक राउंड विच फास्टैग कंपनी वालों लॉन्च की गई नवी स्मार्टवॉच 1.39 सुपर अल्ट्रा वी यू राउंड डिस्प्ले सिंगल सिंक्रोनाइज ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच 3899 PP01234 वक्रे वक्रे कलर च लॉन्च की गई है। MRP 7495 ते सेल प्राइस अदा है 3295 जी। ये कॉमन फीचर है 65+ स्पोर्ट्स मोड है, 24x7 स्लीप ट्रैकिंग है, आटो मल्टी स्पोर्ट रेकोगनाइजेशन है, आल राउंड हेल्थ ट्रैकिंग है, अप टू 5 दिन की बैटरी बैकअप से स्प्लिट स्क्रीन फीचर देखने मिलता है। बॉक्स ओपन करते सब तो पहले तुम्हें वॉच हैड देखने मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर के कोपर की लुक है, तो मैट ग्लोसी मिक्स कॉम्बीनेशन देखने मिलता है थोड़ा थोड़ा। इस तो अलावा मैनुअल वेखन को मिलता है फास्टैग रिफ्लैक्स इनवॉक का, स्ट्रैप है जो कि 22 साइज का, तो चार्जर केबल है, मैगनेटिक केबल होंगी है, तो इस तो अलावा तुम्हें एक वारंटी प्रोसैस का भी डॉक्यूमेंट वेखन को मिल जाता है। नाल ही नाल तुम्हें प्रोडक्ट मैनुअल भी देखने को मिलता है। प्रोडक्ट मैनुअल तुम ओपन करोगे तो तुम्हें ये हैंडलिंग एंड केयर IP68 की वाटर असिस्टेंट जी है वो कितनी एक्चुअल यूजेज हो सकती है पानी दे जानकारी, बैटरी नू किस हिसाब ना रीचार्ज करना, कितनी देर बाद रीचार्ज होनी चाहिए है, सर्विस एंड रिपेयर के बारे दसया गया। इस अलावा तो वारंटी कि चीज़ा कवर्ड नहीं होंदिया तो कि चीज़ा कवर्ड होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन है सारी ये प्रोडक्ट मैनुअल मैनशन होंगी है। तो एक गल याद रखियो, फास्टैग की जो भी कोई स्मार्टवॉच लेनी है वो केबल जरूर चैक कर लेना क्योंकि यदि केबल की कोई वारंटी नहीं आती। कंपनी द्वारा क्लीयर कट है कि जोड़ा प्रोडक्ट ब्रेकेज है वो कोई वारंटी नहीं, जिदा कि टच ब्रेक हो जाती है, वॉच की कोई ब्रेकेज प्रॉब्लम आती है, या फिर डेटा केबल ब्रेकेज अकाउंट होंगी, स्ट्रैप ब्रेकेज अकाउंट होंगे, इन्हों की कोई वारंटी नहीं होंगी। इस तो अलावा तुम्हें जोड़ा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो तुम्हें गाइडेंस की गई है किदा स्ट्रैप को रिमूव कर सकते हो, डिटेक्ट रिकनैक्ट कर सकते हो, जोड़ा चार्जिंग पॉइंट है वो किदा कनैक्ट करना, QR कोड किदा स्कैन होना, यह सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें ये देखने मिलती है। अजकल जो वारंटी कार्ड आ रहा है वो ई वारंटी कार्ड है, यानी कि ऑनलाइन वारंटी तुम्हें किदा लैनी अपने प्रोडक्ट की प्रोसैस है, लॉगिन करना होंगे पहले अपना एप्लीकेशन से या फिर लिंक से, मोबाइल नंबर का OTP आएगा, OTP तो बाद अपनी डिटेल फिलअप करोगे, QR कोड दिता होंगे टैग के उत्ते आ देखो, या फिर 17 डिजिट की जी यूनीक ID है ये ID भी एंटर करके तुम यदि वारंटी लै सकते हो। इनवॉइस की डिटेल भी फिलअप करनी जरूरी होंगी है। वॉच की जोड़ा हैड है वो फस्ट लुक ते रूबरू है, जोड़ा मटीरियल है केस का प्लास्टिक केस है, इस करके आर्टिकल PP देता, बैक से तुम जाओगे मॉडल नंबर दिता गया नाल आर्टिकल नंबर मैनशन है PP04, कलर वगैरह के उत्ते डिजाइन जोड़ा किया हों, उस बाद IP68 भी मैनशनड है, मेड इन PRC है यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना लोकेशन से, प्लास्टिक केस मैनशन है, यूनीक कोड दिता गया, QR कोड दिता गया, तो बार कोड है फास्टैग का लोगो देखने को मिल जाता है, तो मैगनेटिक पॉइंट है जो कि तुम्हें यदि मैगनेट पावर काफ़ी देखने को मिल जाती है। इस तो अलावा जोड़े एक्टिव सेंसर है वो भी लेटेस्ट जोड़े चलते पे उन्होंने डिजाइन किए होंगे ताकि जो भी रिपोर्ट आए ताड़ी, जो भी टेस्ट तुम हार्ट रेट करो या कोई होर टेस्टिंग करते हो वो रिपोर्ट एक्यूरेट आनी चाहिए है, एक्यूरेट यानी कि 95 तो लैके 98% की एक्यूरेसी कहती है कंपनी। इस तो अलावा दो स्पीकर के पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, एक माइक का पॉइंट होंगे, जोड़ा क्राउन है यदि कोई मूविंग की वर्किंग नहीं हैगी, यदा वर्कआउट की है कि जो तुम वॉच को ऑन करना इतों ऑन करना तो तुम कई बार डिस्प्ले एमरजेंसी ओपन करनी है तो इतों आ बटन प्रेस करके ऑन करनी है। हूँ तेरे सामने पहली फास्टैग की जी वॉच की लुक है, खूबसूरत लुक तुम शो हो रही है, डाउन स्लाइड करते हैं तो सब तो पहले तुम टाइम डेट सब कुछ मैनशन देखने को मिलता है, ब्लूटूथ डिसकनैक्टेड का साइन शो कर रहा, बैटरी 60% है, उस तो बाद आता फ्लैश का साइन, इस तो बाद ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर का साइन है, इतों की तुम कॉलिंग फीचर ऑफ भी कर सकते हो तो कॉल नोटिफिकेशन कन्वर्ट हो जाएगी। देखो हूँ ऑफ हो गया तो कोई फीचर वर्क नहीं होता, इतने क्लिक करोगे तो फीचर ऑन हो जाएंगे। सैटिंग से जाओगे सब तो पहले आता वॉच फेस है, ये तुम्हें दो ही वॉच फेस देखने को मिलते हैं, दोनों ही बड़े खूबसूरत वॉच फेस है। इस तो बाद है थीम से तुम्हें लिस्ट तो फ्लोटिंग कि फ्लोटिंग करके देखने हैं। इस तो बाद आता ब्राइटनेस घट ज़्यादा ये तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है,
पिक्सल की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है यदि, तो 15 सैकेंड का स्क्रीन टाइम आउट रख दें। अबाउट दे जावे तो सिंगल मैक एड्रैस वेखन मिलेगा, फर्मवेयर वर्जन देखने मिलेगा, तो ब्लूटूथ का नाम वेखन मिलेगा। इस तो बाद आता पावर ऑफ, वॉच को ऑफ करना, तो रीसैट कंपनी की फैक्टरी सैटिंग से कन्वर्ट करना, तो QR कोड इतों स्कैन कर सकते हो। साउंड सैटिंग जाओगे, साउंड दे वाइब्रेशन, मीडिया ऑडियो, कॉल रिंग टोन, मैसेजिंग टोन, अदर साउंड देखने मिल जाता है कि जिदा अलार्म, रिमाइंडर, अलर्ट्स, उन्होंने तुम ऑन करना तो कर सकते हो। आटो स्पॉट रैकोगनाइज फीचर जिहड़ा एड ऑन किया गया, इहदा काम की है कि जेकर तुम इह फीचर ऑन कर देंदे हो तो तुम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, जिदा कि रनिंग, वॉकिंग, रोइंग मशीन, कोई इदा की कोई भी एक्टिविटी तुम परफॉर्म करते हो, ये आटोमैटिकली उन्होंने रैकोगनाइज कर लेंदा है, तो ताड़ी मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म्ड हो जाती है। इस तो बाद आता डोंट डिस्टर्ब, जो तुम इन्हू ऑन कर देते हो नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आते, तो तुम्हें किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, जिदा कॉल नोटिफिकेशन याद है। लिफ्ट टू व्यू तुम्हें दो फीचर वेखन मिलेंगे, पहला है लिफ्ट टू व्यू यानी कि तुम बाजू स्लाइड करते हो तो वॉच जी ऑन हो जाती है, डिस्प्ले ऑन हो जाती है। इस तो बाद डायनामिक वॉच फेस, यह भी लिफ्ट टू व्यू के नाल ही वर्कआउट करता है। यदा काम की है कि जिदा तुम डिस्प्ले ऑन करना, इदा मूवमेंट की उस तो बाद जो वॉलपेपर है वह चेंज हो जाएगा, जो दो वॉच फेस है पहले कभी पहला लगेगा कभी दूसरा लगेगा, वह भी मैं चेक करा दाँगा तुम हूँ आने से बाहर। इस तो बाद फीचर डोंट डिस्टर्ब द SOS है यानी कि एमरजेंसी, तो एक नंबर ऐड कर सकते हो अपने फैमिली मैंबर का, ब्राइटनेस का अप स्लाइड करेंगे तो और नोटिफिकेशन आएंगे, जो नोटिफिकेशन तुम्हें आया होगा। लैफ्ट स्लाइड करेंगे, सब तो पहले स्टैप किन्ने किलोमीटर चले, कितनी कैलरी बर्न हुई, दैन हार्ट रेट का ये मेजरमेंट जो तुम वॉच में वीयर अप करोगे उदों ही होएगा। ऑक्सीजन मोनीटर का स्लीपिंग ट्रैकिंग है, जो तुम रात वीयर अप करते हो वेंट टू बैड वेकअप सारी इन्फॉर्मेशन ये तुम्हें देखने मिल जाती है। इस तो बाद वैदर रिपोर्ट है, ऐड स्क्रीन है यानी कि तुम कोई होर भी ऐड करना चाहते हो इतों की कर सकते हो। तो हूँ असं आने राइट स्लाइड किया तो तुम जी इत स्प्लिट स्क्रीन जिदा कि मैं स्टार्टिंग से दसा स्प्लिट स्क्रीन इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जो फीचर मेन रनआउट किए हो देखने मिलेंगे जी ज़्यादा रनआउट किए होंगे। हूँ साइड बटन प्रेस करेंगे तो तुम डिस्प्ले वेखन आ गई, स्मार्ट लुक है, मैं स्मार्ट नहीं चाहिए, मैं लिस्ट चाहिए, मैं सैटिंग जाना थीम्स में चेंज करके फ्लोटिंग की जगह लिस्ट कर देना, सॉरी लिस्ट आ गई। सब तो पहले आती है माई फिटनेस, ये स्टैप बारे दसिया तुम्हें। इस तो बाद मल्टी स्पोर्ट्स का मैं तुम्हें ऑलरेडी दसिया जाए, फिर भी तुम्हें ये दिखा देना, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड आते हैं, कोई भी तुम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना उन्होंने रनआउट कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स रिकॉर्ड है, ये जो एक्टिविटी परफॉर्म की होगी वह रिकॉर्ड शो करेगा। फोन कॉल का इतों ऑफ कर सकते हो, ऑफ हो गया, इतों ऑन कर सकते हो। ब्लूटूथ कनैक्टिविटी तो बाद वर्कआउट करेगा। इस तो बाद हार्ट रेट है, स्लीपिंग है, SPO2 है, माई साइकिल है, ये लेडीज़ के लिए होंगे कि जो उन्होंने पीरियड की इन्फॉर्मेशन ये अपडेट कर सकते हैं। स्ट्रैस मोनीटरिंग है, ये फीचर एप्लीकेशन के माध्यम से रन आउट होंगे, मूड फीचर है भी इनेबल करना पैंता एप्लीकेशन के माध्यम तो। ब्रीथ है, ब्रीथ एक्सरसाइज है, इनहेल एक्सेल यानी सह लैना तो छड़ना। ब्रीथिंग रेट है, ये तुम्हें ब्रीथिंग रेट शो करता कि तुहाडा ब्रीथिंग रेट पर मिनट किन्ना वो शो करता। इस तो बाद SOS है, नोटिफिकेशन है, वैदर रिपोर्ट है, म्यूजिक है, म्यूजिक स्टॉपवॉच है, अलार्म है, स्टॉपवॉच जी है इतों रन आउट होंगी, इतों स्टॉप होंगी है, इतों रीसैट होंगी, इतों रन आउट होंगी, इतों लैप्स हो जाती है, इतों स्टॉप होंगी, इतों रीसैट होंगी। अलार्म है, अलार्म तुम ऐड कर सकते हो, 10 अलार्म ये ऐड हो जाते हैं। टाइमर है, टाइमर कितनी देर का लाना है, एक्सरसाइज कोई परफॉर्म करनी, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी टाइमर लगा के कर सकते हो। फोन फाइंडिंग है, फ्लैश लाइट है, वॉइस असिस्टेंट है। एक है पासकोड फीचर, पासकोड फीचर का की है कि तुम इतने कोई पासवर्ड लगाना है, जब अपनी वॉच में सिक्योर करना है, कोई इन यूज़ ना कर सके ताड़े बिना, तो इन पासवर्ड लगा सकते हो। पासवर्ड लाने तो बाद वॉच के लॉक होंगे ही पासवर्ड जोड़ा रन आउट हो जाएगा। देखो पासवर्ड इस तो बिना वॉच ओपन नहीं होएगी। जो तुम इन ऑफ भी करना है, जिदा हम पासवर्ड नहीं लाना चाहते तो तुम आप पासकोड के फीचर से जाना है, पासकोड सिक्योरिटी को क्लिक कर देना ऑफ करने लिए, ऑफ हो गया। इस तो बाद सैटिंग है, ये सारे फीचर तुम्हें ये देखने को मिलते हैं। वेयरिंग देखोगे तो तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत लुक देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन जिदा कि दसिया फास्टैक रिफलैक्स वर्ड है, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल की थी, फिर भी तुम्हें दस देना। फास्टैक रिफलैक्स वर्ड ओपन किया, ओपन करते ही तुम्हें थर्ड टैब पर जाना, साइनअप की ऑप्शन आएगी, आई हैव रीड एक्सेप्ट
एग्रीमेंट इनू क्लिक कर देना। नेक्स्ट करना, मोबाइल नंबर एंटर करोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी ऐड कर देना, तो भी रजिस्टर सक्सैसफुल हो जाएगा, वेरीफाइड सक्सैसफुल। वेरीफाइड होने तो बाद तुहानू इत्थे परमिशनस लई आएगा, तीन डिफरेंट परमिशनस होणगीआं, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कीते दा इस करके मैनू सिंगल ही आई है, तो ब्लूटूथ दी है। इस तों अलावा लोकेशन दी आउंदी है, तो एक होर परमिशनस आउंदी जिदा कैमरा फीचर दी, तो ये बस उत्थों परमिशन नू अलाउ कर देना, ब्लूटूथ दी भी परमिशन भी अलाउ कर देनी है। अलाउ करदे तुहानू जस्ट इदा विजिबल होना शुरू हो जाएगा, सैटिंग दे अंदर जाना है या फिर जो सामने क्यू आर कोड विजिबल होंगे वो क्यू आर कोड के उत्ते क्लिक कर देना। स्कैनिंग ले आ रहा है, मोबाइल पर आएगा, वॉच पर आएगा कंफर्म टू पेयर, टिक कर देना। पेयर्ड होगी, अलाउ एक्सेस टू कॉल एंड लॉग, पेयर कर देना। पेयर्ड सक्सैसफुल होने तो बाद रेज वॉल्यूम अबव तो अपने हिसाब नाल सैट कर सकते हो। फर्मवेयर अपडेट चैक करता है, जे तो अपडेट पेंडिंग होएगा तो अपडेट कर लेना उस वक्त, नहीं तो अपनी इनफॉर्मेशन फिलअप करना। जिदा कि ये तुम मिनिमम तो मिनिमम 30% बैटरी चाहिए है, मेरी वॉच की इस वेल 55% बैटरी है, तो मैं इनू अपडेशन पर ला ही दिना। अपडेशन प्रोसैस में टाइम लग सकता है, तो घबराने की कोई गल नहीं, पर एप्लीकेशन क्लोज नहीं करनी है। एप्लीकेशन क्लोज करोगे तो मे बी वॉच प्रॉब्लम आ जाए, इनकेस तुहाडी बैटरी 30% तो डाउन है, फिर भी फर्मवेयर अपडेट का आया है तो करना जरूरी है, इसलिए तुम इन वॉच में चार्जिंग लगा देना। चार्जिंग लगा के भी तुम फर्मवेयर अपडेट कर दो, कोई इशू क्रिएट नहीं होएगा। लगभग कंप्लीट हो गया, फर्मवेयर अपडेट सक्सैसफुल आ गया, मैं ऐसे वॉच मेरी रीस्टार्ट हो गई है। वॉच ऑन होंदे दोबारा एक बार चैक करेगा, कोई फर्मवेयर पेंडिंग तो नहीं है, और जे नहीं पेंडिंग होएगा तो नैक्सट स्टैप यानी कि इनफॉर्मेशन फिलअप के प्रोसैस से शिफ्ट हो जाएगा। और देखो हूँ अपडेट हो गई है, अपनी इनफॉर्मेशन तो स्टैप बाय स्टैप डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, मेल हो फीमेल हो, फिर किन्नी हाइट है, किन्ना वेट है, किन्ने आवर की तुम एक्ट करना, गोल रखना, किन्ने मिनट की मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखनी है, स्टैप गोल किन्ना रखना, तो गूगल फिटनेस कनैक्ट करना ठीक है, नहीं तो स्किप कर दो। सारी इनफॉर्मेशन होगी डन। इस तो बाद हूँ असं आने सैकेंड लास्ट टैब पर, यह है वॉच फेस का। वॉच फेस तुम ए मल्टीपल वॉच फेस देखने को मिलेंगे जो कि एक तो एक बढ़ गए हैं। कई ऐसे खूबसूरत वॉच फेस देखने को मिलते हैं, जिदा कि स्पोर्टी जाना है, देखो कोई भी किसी तो घट नहीं होएगा वॉच फेस। हूँ ही कस्टम वॉच फेस से जाने, कस्टम वॉच फेस मैं बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि ये मैं अपनी फोटो लाऊंगा। जिदा कि मैं घड़ी दी लानी सिलेक्ट कर ली, नैक्ट कर दें, आना देखो आ रहा। हूँ ही कलर अगर तुम अंदर का चेंज करना कर सकते हो, नहीं तो इनू एज इट इज़ रहन दो, तो नैक्सट कर लियो। नैक्सट कर लिया, इंस्टॉल ऑन वॉच किदा की लुक आएगी वो तुहाडे सामने आ गई। इंस्टॉलिंग ऑन वॉच आ गया, अपलोडिंग इज़ इन प्रोग्रेस, मेक श्योर योर वॉच इज़ नीयर योर फोन, यानी कि तुहाडी घड़ी तुहाडे लागे होनी चाहिए है, तो इंस्टॉलिंग शुरू हो गई है। काफ़ी टाइम लै रहा है, इधर जोड़े ये नवे आर्टिकल होर आए थे उन्होंने बड़ी फास्ट रन आउट होंगे, तो अं वेट कर लें। आलमोस्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस, देखो वॉच फेस इंस्टॉलेशन जोड़ा कंप्लीट हो गया। वॉच फेस कि लग रहा है तेजे अगे है, लगभग वॉच फेस में ट्रांसफर होंगे 10 मिनट लगे है, जो कि काफ़ी लंबा टाइम है, नहीं तो स्किंटा के हो जाए, अप्रोक्सीमेट 10 मिनट लगे है, जो थोड़ा ये मैं ड्रॉबैक लगता पे, बाकी ठीक है सारा कुछ। हूँ अस जाने अगले फीचर से, हम सैटिंग से जाएंगे। सैटिंग तुम इतने टर्न ऑन नोटिफिकेशन आ रहा, ऑल ऐप्स जी जी तुम करना चाहते हो वो ऐप्स लिए ऑन कर दो। इस तो बाद गोल्स, गोल्स मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग से सैट कराते, ऑटो एच आर ऑफ ऑन है, गूगल फिट करना कनैक्ट कर सकते हो, अलर्ट्स जो तुम ऑन करना कोई कर सकते हो, स्ट्रेस एंड मूड आ फीचर में तुम इतों टर्न ऑन करोगे तो ही फीचर ओला मोबाइल से वर्कआउट करेगा, सॉरी वॉच से वर्कआउट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हाइड्रेशन रिमाइंडर, ये पानी दे डिले होंगे कि ड्रिंकिंग, ये बेनीफिट आ कि तुम टाइम टू टाइम अपना जोड़ा अपना एक बॉडी पानी की लोड़ होंगी वो ड्रिंक करते रहो ताकि फिट एंड फाइन रहो। तुम जिनी देर का सैट करोगे उन्नी देर का सैट करके अपडेट पर क्लिक कर देना। इस तो बाद आता माई वॉच फेस, माई वॉच जाओगे पहले आता फाइंड योर वॉच, स्टार्ट सर्चिंग करोगे वॉच तो लिखा आएगा आई एम हेयर। इस तो बाद है क्विक रिप्लाई, बस कर बंद हो जा, क्विक रिप्लाई ऑलरेडी इनेबल्ड है। क्विक रिप्लाई तो बाद तुहानू लिफ्ट व्यू वेखन मिलता है जो ऑलरेडी ऑन है,
इस तो बाद फेवरेट कॉन्टैक्ट से तुम ये 100 फेवरेट कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो, यानी कि ये तुम्हें 100 फेवरेट कॉन्टैक्ट ऐड करने की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। सेव पर क्लिक किया तो तुम इतने आ गया, यू हैव सिलेक्टेड 45 आउट ऑफ 100 कॉन्टैक्ट्स, तो तुम 100 तक कॉन्टैक्ट्स ऐड करके इनू सेव पर क्लिक करोगे तो मोबाइल से एप्लीकेशन से सेव हो जाएंगे। फेवरेट कॉन्टैक्ट तो बाद असं आने नैक्सट फीचर देख रहे हैं। नैक्सट फीचर है SOS। SOS से तुम एक फैमिली मैंबर का नंबर ऐड कर सकते हो जो कि एमरजेंसी नंबर होंगे, जिदा कोई अर्जेंट कॉल करनी हो तो जस्ट SOS फीचर से क्लिक करके ये फीचर का लाभ लै सकते हो। आ देखो मैं एक कॉन्टैक्ट ऐड किया, दूसरे से क्लिक करता तो आंदा मैक्सिमम कॉन्टैक्ट ऐड बिन रीच, सेव पर क्लिक करा आंदा 1 out of 1 कॉन्टैक्ट ऐड, तो सेव करते ही ये SOS वाली चैकलिस्ट शो होना शुरू हो जाएगा। इस तो बाद आंदा अनपेयर, दैन आंदा रीसैट वॉच पासवर्ड। जो तुम आ रीसैट वॉच पासवर्ड पर क्लिक करते हो इतने तुम देखने को मिल जाता कि तुम ए रीसैट पर क्लिक करते ही सारा डेटा वॉच का रीसैट हो जाएगा, तो पासवर्ड भी जो रखा था जो तुम भुल चुके हो तो वो रीसैट होकर नवे सिरे तो सैट हो जाएगा। तो यह उदो ही फीचर यूज होंगे जो तुम पासवर्ड भुल गया हो। कैमरा फीचर, कैमरा फीचर है वॉच के उत्ते मैं जस्ट क्लिक करता पाया, फोटो क्लिक होगी। इस तो बाद असं जाने माई वॉच के अगले फीचर से वैदर फीचर है। टर्न ऑन करांगे तो तुम वैदर जो मोबाइल पर विजिबल होना शुरू हो जाएगा। म्यूजिक फीचर है इनेबल्ड होएगा, तो म्यूजिक जिदा ही ये कोई वीडियो ऑडियो प्ले करते हैं वो तुम्हें ऑडियो सुनाई देगी। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर ऑन है इनेबल होएगा, तो ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर का तुम लाभ लै सकते हो। देखो पेयर की ऑप्शन आ गई ना, हूँ असं जो कॉल मिलावे कोई तो वह कॉल फीचर का ही लाभ लै सकते हैं। ये सारे फीचर तुम ये देखने मिलते हैं। जिदा ही मैं वेदर फीचर इनेबल किया तो तुम इतने देख सकते हो हैवी रेन का आ रहा, तो नाले पूरा वीकली ये तुम वेदर रिपोर्ट शो करती पी है। हूँ असं जाने कॉन्टैक्ट फीचर च, देखो नोटिफिकेशन वगैरह जो मैं आए हैं वह सारे नोटिफिकेशन तुम ये देखने मिल जाते हैं। फोन असं अगर इतों नंबर डायल करा मेरा कॉल बंद हो जाएगी क्योंकि वीडियो मेरी बंद हो जानी है, वीडियो मैं उही फोन तो शूट कर रहा जिद कनैक्टेड है। फिर भी तुम्हें दिखाने लिए एक बार मैं कलैक्ट कर देना, 198 डायल करना मेरा फेवरेट नंबर है। या देखो 198 नंबर मैं डायल करते थे, वॉइस ता नहीं आनी क्योंकि सेम फोन नाल कनैक्टेड है, पर ओवरऑल है वर्किंग कर रहा। तो तुम वॉच किदा दी लगी जरूर दसना मैनू, और अगर कोई क्यूरीज होए तो मैं कमेंट माध्यम जान सकते हो। लास्ट वन हूँ अभी ट्राई करने रीसैट कर क्योंकि मैं वॉच में रीसैट भी करना ही है। फिर भी तुम चेक करा देना रीसैट जावे ये की होएगा, जिन केस तुहाडी वॉच हैंग करती है या प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करती या तुम्हें लगता है ये साइड बटन वर्कआउट नहीं करता, तो तुम इन रीसैट करके दोबारा कनैक्ट करना। कई बार की होंगे यदि टैंपरेरी मैमरी प्रॉब्लम आई होंगी वे करके भी ये इशू क्रिएट होंगे ने। रीसैट होने बाद QR कोड आ जाएगा, QR कोड में तुम स्कैन करके कनैक्ट करके दोबारा तो वॉच में यूज़ कर सकते हो। धन्यवाद। ये देखो कंफर्म टू पेयर आ रहा, जो मैं कर दाँगा ओके तो मेरी वॉच कनैक्टेड हो जाएगी, तो जो कैंसल कराँगा तो कनैक्टेड नहीं होएगी। जय श्री राम।